अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए निवेश के एक बेहतर साधन की तलाश में हैं, तो टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक, प्राइवेट या स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए निवेश कर सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों में इस तरह की एफडी में निवेश नहीं होता। देखा जाए तो टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक साधारण फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस एफडी की अवधि मिनिमम 5 वर्ष होती है, यानी यहाँ पर आपका पैसा अगले 5 सालों तक लॉक इन रहता है और किसी भी सूरत में इसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, सिवाय एप्लीकेंट की डेथ के केस के अलावा, जहाँ नॉमिनी उसे मैच्योरिटी या उससे पहले विड्रॉ कर सकता है। साथ ही यहाँ निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, यानी यहाँ पर आप एफडी में निवेश करने पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर जो भी आपको ब्याज मिलता है, उस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। वैसे देखा जाए तो सभी तरह के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स देना ही होता है। इसे बचाने के लिए आप फॉर्म 15G, 15H भरकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म सबमिट करने पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आपकी सालाना इनकम सभी सोर्सेज से टैक्स स्लैब में आती है, तो आपको टैक्स देना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर्म सबमिट करने पर बैंक खुद से एफडी के मैच्योर होने पर टैक्स नहीं काटेगा, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिटर्न फाइल करते समय खुद से टैक्स जमा कराना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति सिंगल या ज्वाइंट मोड में एफडी होल्ड कर सकता है। अगर एफडी का होल्डिंग मोड ज्वाइंट है, तो टैक्स का फायदा सिर्फ पहले होल्डर को ही उपलब्ध होता है। अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए निवेश के एक बेहतर साधन की तलाश में हैं, तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं DICGC से इंश्योर्ड 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और 20 प्राइवेट बैंक्स के टैक्स सेविंग एफडी इंटरेस्ट रेट्स शेयर करने जा रहा हूँ। यानी अगले 2 मिनट में आप इन सभी 42 बैंक के लेटेस्ट टैक्स सेविंग एफडी इंटरेस्ट रेट जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को।